सर्व मंगल मंगले सर्वे सर्वार साधके शरणतंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ये पूजा आप दोनों के हाथों से ही संपन्न होनी है, इसलिए अब आप दोनों पूजा के लिए तैयार हो जाइए। सलोनी बेटी, क्या सोच रही है, पूजा शुरू करें? ओम भूरो भुवस्वः तत्सुवितो वरेण्यं भर्गोर्देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक सेकेंड रुकिए पंडित जी। पंडित जी, हमारे बगैर ही आपने पूजा शुरू कर दी। पंडित जी, पूजा जारी रखिए। ओम गंगाय नमः, ओम कुबेर देवताभ्यो नमः स्वाहा। अब आप अपने पति को तिलक लगाएंगी। और कलावा भी बांध लीजिए उसके बाद। अब आप इस शुभ कार्य के लिए अपनी धर्म पत्नी का हाथ अपने हाथ में लीजिए। अक्षर चढ़ाइए। ओम अक्षताम समर्पयामि। तमेव माता च पिता, तमेव तमेव बंधु च सखा, तमेव तमेव विद्या। एक मिनट पंडित जी, क्या बात है नाहर? पंडित जी, आप जो मंत्र पढ़ रहे हैं वो सही नहीं है। ये नहीं हो सकता, मैंने तो मंत्र सही पढ़ा है। सही श्लोक इस प्रकार है, आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजाम नैव हि जानामि क्षमस्व परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, यत् पूजितम महादेव परिपूर्णम तदस्तु मे, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रमिणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। लेकिन जजमान, हमने भी तो यही मंत्र पढ़ा है। नहीं पंडित जी, आपने जो श्लोक पढ़ा है उसमें से कुछ पंक्तियां आप बोलना भूल गए। इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता जजमान, हमने जो श्लोक पढ़ा है एकदम सही पढ़ा है। वर्षों से हम ये पूजा पाठ करते आ रहे हैं, कभी भी कोई त्रुटि नहीं हुई। पंडित जी क्षमा कीजिएगा, मैं आपके ज्ञान पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, बल्कि आपसे जो भूल हुई, जो किसी से भी हो सकती है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। आप चाहे तो अपने पुस्तक में जांच सकते हैं। क्या बात है पंडित जी, ये सही कह रहे हैं। नाहर, ये सब तुझे कैसे पता? बोलना नाहर, ये सारी बातें तुझे कैसे पता? तूने तो कभी ये वेद नहीं पढ़े, ना ही तुझे संस्कृत आती है, ये तुझे कैसे मालूम कि इन श्लोकों का अर्थ क्या है और कौन से पन्ने पे हैं? वो
वो भाबो थारी धवने भाबो, ये भी कोई पूछने की बात है? नाहर बनना इतने दिन काशी और बद्रीनाथ रह के आए हैं, अब वहां की तो हवा में ही वेद और शास्त्र बसते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नाहर बनना ने कुछ सीखा ही ना हो? इनको तो सब वहीं से सीख मिल गई। हाँ भाबो, मैं आपको बताना ही भूल गई, वहां जाकर नाहर का मन इन सब बातों में इतना लग गया कि पूछिए मत, इसलिए तो इतने दिन हमारी याद नहीं आई इन्हें। क्यों नाहर? कमाल है नाहर बनना। अरे भाई, मैं इतने सालों से हनुमान चालीसा का जाप कर रहा हूँ, मुझे तो आज तक याद नहीं हुआ, और आपको कुछ ही समय में इतने सारे श्लोक याद हो गए। थारी दवने, सो तो है धीर सा, लेकिन अब चलें आरती शुरू करें, भाई भगवान को इंतजार क्यों कराएं। उर्वशी, अब मेरा मतलब है काकी सा, आप कहाँ उठ के चल दी? अरे भाई, आप भी तो आइए, हमारे साथ बैठिए, शामिल होइए पूजा में, कुछ आपके भी पाप पाप धुल जाए। इतनी बेइज्जती हमारी पहले कभी नहीं हुई, और ये सब हो रहा उस सलोनी की वजह से। एक बार सिर्फ उस फ्रॉड नार का असली चेहरा हम सबके सामने ले आए, उसके बाद अगर हमने फिर से इन सबको दर दर की ठोकरें नहीं खिलाई ना, तो हमारा नाम भी उर्वशी नहीं। ये फ्रॉड आदमी हो कौन सकता है? अरे भाई साहब, आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं? आप इतने भी दिन घर से दूर नहीं थे कि आप अपना कमरा ही भूल गए? आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम। इसमें तो हमें जरा भी शक नहीं कि ये नहर नहीं है, ये उसका कोई हमशक्ल है, कोई फ्रॉड है, जिसे मोहरा बनाकर सलोनी हमसे ये जंग जीतना चाहती है। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब से हर पल हर घड़ी हमारी नजरें सिर्फ सलोनी और उसके इस मोहरे पर रहेंगी। आखिर कोई घड़ी तो आएगी जब वो कोई गलती करेंगे और सच्चाई हमारे सामने आ जाएगी, और फिर सबके सामने। सलोनी जस्ट वेट एंड वॉच। क्या हुआ भाभो? कुछ नहीं, अपने परिवार को बहुत दिनों बाद एक साथ देखकर दिल भर आया बस। बाबू, हम खाना शुरू करें, बहुत भूख लग रही है। अरे मेरे लाडले को भूख लगी है, तब तो हम बिल्कुल देर नहीं करेंगे। चलो भाई, सब खाना शुरू करो। नार वरना, आप कुछ दिन बद्रीनाथ और काशी क्या हुआ है, आप तो बहुत प्रभावित हो गए वहां से, हैं? मुझे तो सलाइली जी की चिंता हो रही है, क्योंकि अगर नार वरना सन्यासी बन गए तो सलाइली जी का क्या होगा, हैं? खबर सा, आप तो ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं जैसे इन्होंने कोई गलती की हो। खाने से पहले भगवान का नाम लेना तो अच्छी बात है, बल्कि हम सबको भगवान का नाम लेना चाहिए। लीजिए, लगता है इन्होंने भी सन्यासिन बनने की ठान ली है। मेड फॉर इच अदर का फल।
देखिए ये सब बातें हमारे लिए असंभव है। बाबू आप क्या असंभव है नाहर, बोल क्या कह रहा था तू? असंभव वो बाबू आज जो कुछ इस घर में हुआ और जो कुछ हो रहा है ये सब बातें कितनी असंभव सी लगती हैं, कितनी अलग सी लगती हैं। बस यही कह रहा था मैं। आजा अलग सा तो तभी से लग रहा है नाहर, जब से तू वापस आया है। ये आप क्या कह रहे हैं? और क्या बेटा, जब से आया है बदला सा लग रहा है, अजीब व्यवहार कर रहा है। मेरा नाहर ऐसा तो नहीं था? बाबू इस घर में मेरे पीछे इतना कुछ हो गया तो क्या हुआ? जो हो चुका वो तो हो चुका ना। मानती हूं यहां बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन इस सब के चलते मेरे बच्चे बदल जाएं, हंसना भूल जाएं, ये मैं सहन नहीं कर सकती। मुझे अपना पहले वाला नाहर चाहिए, जिसकी हंसी से ये पूरी हवेली गूंजा करती थी। याद है तुझे कैसे तू इसी तरह मेरी गोद में सर रखकर अपने दिल की हर बात मुझे बताया करता था? अब भी कुछ नहीं बदला है नाहर। अगर कोई ऐसी बात है जो तेरे दिल को परेशान कर रही है तो मुझे बता बेटे, फिर देखना तेरा दिल कितना हल्का हो जाएगा। हेलो, हम बोल रहे हैं, हमें अपने बेटे से बात करनी है। वो इस वक्त आपसे बात नहीं कर सकते। क्या हमारे बेटे के लिए अपने माँ से बात करने से ज्यादा जरूरी काम कुछ हो ही नहीं सकता? वो बिजी है। हमारे गुस्से को और भड़काओ मत, बात करवाओ हमारी उससे। सुनिए, आपके लिए अर्जेंट फोन है। अरे लेटा रहे तू, सलोनी जिसका भी फोन है उससे कह दे मेरा बेटा अपनी माँ की गोद में आराम कर रहा है, अभी बात नहीं कर सकता। देखिए आप नाराज मत होइए, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं कल सवेरे आपकी उनसे बात करवा दूंगी। देखिए मैं वो एक मिनट सलोनी। हमसे इस तरह नजरें चुराकर, चेहरा छुपाकर किस सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही हो? कहीं ये सच्चाई वो बहरूपिया तो नहीं जिसे नाहर बनाकर इस घर में सबके सामने लेकर आई हो? लेकिन हमसे क्यों इस सच को छुपा रही हो? हम तो सच जानते हैं। देखो मिसेस सलोनी, आई मस्ट से यू आर सो लकी। एक पति के मरने के बाद भी एक पति का सुख उठा रही हो, किसी पराए मर्द के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर रही हो, उसी के नाम का मंगलसूत्र, टीका, ये सुहागन का जोड़ा, और अब तो उसी पराए मर्द के साथ अपना नाम चुड़ी। तुम अपने बकवास बंद करोगे या नहीं? क्योंकि हम जो कह रहे हैं वो बकवास नहीं, वो सच है।
माना सलोनी कि हम नहार को आपसे बेहतर नहीं जानते, लेकिन इतना तो अच्छी तरह से जानते हैं कि नहार कैसे चलता था, कैसे बातचीत करता था, उसके बात करने के हाव भाव। और ये इंसान नहार नहीं है। सच तो ये है सलोनी कि हम जानते हैं नहार मर चुका है, इसलिए इस बात पर हमें कभी भी यकीन दिलाने की कोशिश मत करना कि जिस फ्रॉड को तुम इस घर में लेकर आई हो वो इंसान नहार है। इसे हम कभी भी सच नहीं मानेंगे। जिस इंसान के बारे में तुम बात कर रही हो वही नहार है, इस घर के बेटे और मेरे पति और यही सच्चाई है। अब इस सच्चाई को तुम मानो या ना मानो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेरी गुड। अगर ये इंसान वाकई नहार है तो बहुत अच्छा आपके लिए। चाहिए सलोनी, आज की रात अपने नहार के साथ गुजारिए। गॉड ब्लेस यू। सलोनी, कहाँ जा रही है? सोना नहीं है क्या? बाबू वो किचन में थोड़ा काम बाकी है, वो निपटा लूँ बाद में। और कितना काम करेगी सलोनी? रसोई का काम मैं तारा और पिया के साथ निपटवा लूंगी। तू जा अंदर, जाके आराम कर, नाहर तेरी राह देख रहा है, जा। बाबू ने सलोनी, जाना आराम करने, नहीं तो मैं भी नहीं हिलूंगी यहां से। हाँ हमें कहां सोना है? यही एसी कमरे में। आप यहाँ पलंग पर सो जाइए, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। जी एक मिनट रुकिए, आप यहाँ बिस्तर पर सो जाइए, हम वहां सोफे पर सो जाएंगे, क्योंकि इतने आरामदायक बिस्तर पर ना तो मैं सोने की आदत है और ना ही जरूरत। अब शायद हमें तो यहां नींद भी ना आए। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे।